मनी म्यूट कर ले। तो गाड़ा हो गया। कुछ और रेफरेंस और देखे थे मैंने, एक बार वो दिखा देता हूँ, थोड़ा और डिटेल आउट करेंगे थे। ये रेफरेंस वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और कर लेते हैं, पीछे की तरफ से दिया रेफरेंस। अभी के लिए कर दो डिलीट। और इसमें लियाज है डिलीट कर दो। उसके बाद यहाँ पे ये अभी ब्लैक दिख रहा है ना कभी कभी, तो ये रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लाइट में एक ऑप्शन आता है, लाइट में ऑप्शन आता है एक, ये टू साइड लाइट बताया था, अब दोनों तरफ दिखाएगा ये। चल मैं दूर को ऐड कर लूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी डेंट है वो क्लियर करेंगे पहले। क्या लाइट वाला ऑप्शन क्या किया अभी बता दूं फिर से?
जैसे कि मैंने बताया था समय पहले पहली क्लास में कि ये टू साइड लाइट होती है ना, ये हमेशा ऑफ रखना काम करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि बॉक्स है मेरा, ये बॉक्स है और इसमें रिंग स्प्लिट, ठीक है, डी बंद कर देता हूँ। अब इन जगह पे अगर मेरे फेस उल्टे हैं इस बॉक्स में, डिलीट देख रहे हो, तो ना टेक्सचर अगर लगाऊंगा ना मैं इसमें, जो टेक्सचर लगेगा बाद में, टेक्सचर सिर्फ एक ही तरफ दिखता है, जिधर की तरफ फेस सीधा होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो ये टू साइड लाइट ऑफ रखोगे, कभी कभी होता है कोई फेस हमारा उल्टा हो जाता है एक्सट्रूड करते में या कुछ होता है, इससे पता पड़ जाता है टू साइड लाइट ऑफ रहेगी तो, ठीक है। अगर मैं इसमें पूरे पे टेक्सचर लगाऊंगा तो फेस जब तक ये सीधा नहीं होगा, इधर की तरफ नहीं होगा रिवर्स, ये टेक्सचर दिखाएगा ही नहीं। जैसे कि लगा के दिखा देता हूँ मैं टेक्सचर, ये उल्टे हैं ये सीधे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक अब इन फेसों को कर देता हूँ मैं रिवर्स, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू मटेरियल ले लेता हूँ, मटेरियल एट्रीब्यूट और ये नाइफ की इमेज ही लगा देता हूँ। देख रहे हो अंदर की तरफ दिख रहा है, जहां उल्टे हैं फेस वहां अंदर दिख रहा है टेक्सचर, जहां सीधे हैं यहाँ पे बाहर दिख रहा है, यहाँ पे अंदर। अगर मैं इसे रिवर्स कर दूंगा तो टेक्सचर इधर दिखाएगा, ऐसे ही यहाँ पे, जैसे ही मैं रिवर्स कर दूंगा इन्हें वो टेक्सचर दूसरी तरफ दिखाने लगेगा। पर ये मॉडलिंग करते टाइम पता नहीं पड़ता, हर बार ये थोड़ी कि पूरा मॉडल बना दिया लास्ट में स्मूथ भी डाल दिया, फिर देख रहे हैं टेक्सचर दिख रहा है कि नहीं है जो भी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले ही देख लेते हैं भाई, तो वो यहाँ से टू साइड लाइट इसीलिए ऑप्शन होता है, अगर ये ऑन रहती है तो पता ही नहीं पड़ेगी किधर से उल्टे हैं, तो इसे ऑफ कर लो तो दिख जाएंगे। पर जैसे कि अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए कि पीछे की तरफ, अब एक्सट्रूड तो मानना नहीं है मेरे को, सिंगल प्लेन पे ही काम करना है। अभी इसमें तो ऐसा पता नहीं पड़ेगा डेंट वगैरह कहाँ आ रहे हैं, तो मैंने क्या करा, टू साइड लाइट ऑन कर दी ताकि दोनों तरफ दिखे। अभी मैं पहले डेंट ठीक कर लूंगा और बाद में वो ऑप्शन बंद कर दूंगा। जैसे कि ऊपर नीचे हो रहे हैं ना थोड़े बहुत, ये चीजें ठीक करनी है मेरे को, तो मैं साइड व्यू में जाता हूँ। और सबसे पहले ये थोड़े से कर्म लाने पड़ेंगे, ये जितने भी हैं यहां से उठाना चालू कर दो, सीधे करो, पीछे के तो छोड़ो। ये पकड़ो, और हर चीज इतनी जल्दी नहीं होती, जितना प्रैक्टिस करोगे ना जल्दी जल्दी भी लेंगे। दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि तुम्हें पता पड़ जाए चीजें ना, साइड में से देख के तुम्हें ऐसे ही करनी पड़ेगी करके।
ये कर्व देखने पड़ेंगे कैसे जा रहे हैं, ये ऊपर करो। ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसे पकड़ो, कंट्रोल एस मार दो, हाइड हो जाएगा। सिर्फ इस पे काम करो। एज मोड पे जाओ, यहाँ से जल्दी पकड़ने, तो शिफ्ट के साथ जहाँ से जहाँ तक पकड़ने। एक होता है कि पहले मैंने एक एज पकड़ी, उसके बाद शिफ्ट के साथ इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो पूरा लूप पकड़ लेगा वो कंटिन्यूसली। एक ऑप्शन होता है कि जैसे मैंने एक एज पकड़ी, सेट कर लो, मैंने एक एज पकड़ी और मेरे को यहाँ तक सेलेक्ट करना है, सिर्फ पूरा नहीं करना, बस यहाँ तक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, फिर तो यहाँ से यहाँ तक ये सेलेक्ट करेगा। यहाँ से मेरे को जहाँ तक सेलेक्ट करनी है ना एज, पहले स्टार्ट पॉइंट पकड़ेंगे, फिर उसका एंड पॉइंट जहाँ तक हमें पकड़ना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो वहाँ तक सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद तुम्हें कंट्रोल राइट क्लिक और यहाँ पे आता है टू वर्टेक्स, टू वर्टेक्स, तो यहाँ पे एज टू वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद स्केल करो, थोड़ा सा रोटेट करो, फिर स्केल ऐसे मत करो, यहाँ पे रख लो इसे स्केल। उसके बाद थोड़ा सा रोटेट, साइड व्यू में जाओ, नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये डीसेलेक्ट, डीसेलेक्ट एक एक करके आई चीज सेट कर दे रहा हूँ। बाहर वाली एज हो गई बिल्कुल सीधी, ऐसे ही अंदर की पकड़नी है। तो फिर यहाँ से लेके कंट्रोल टू वर्टेक्स, टू वर्टेक्स, पिवट यहाँ पर रखो, स्केल डाउन, सीधे हुए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे इस व्यू में आओ, उसके बाद इसे थोड़ा सा रोटेट कर दो, डीसेलेक्ट करते जाओ एक करके ना, जो जो सेट होता जाता है, जैसे डीसेलेक्ट करो, ये दोनों थोड़े से सीधे होके और ऊपर होंगे।
उसके बाद ये सारी पकड़ लो एजेस, शिफ्ट स्केल कंट्रोल टू वर्टेक्स साइड व्यू में वाई एक्सिस में ऐसे क्लिक कर दो ताकि इसी एक्सिस में चले, मिडिल माउस से जब तुम ड्रैग करो तो इसी एक्सिस में ड्रैग हो, अगर बीच में रहेगा तो कहीं भी मूव हो, तो एक बार पहले इस पे लेफ्ट क्लिक कर दो, जैसे ही येलो हो जाए मिडिल माउस से फिर तुम स्क्रीन पर ड्रैग करोगे तो ऊपर नीचे ही होगा जरा। थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, सरफेस तुम्हें देखना पड़ेगा कितना क्लीन आ रहा है, पहले से डेंट कम हो गए ना, यहाँ पे थोड़े से ऊपर नीचे हैं पीछे की तरफ, अब ये वर्टेक्स है, जैसे ये वर्टेक्स है, साइड व्यू में जाके देख लो, कौन सी है, फाइव दबाओ, ठीक कर लो ना। एक्चुअली कॉल आ गया था तो
ये वाले भी ठीक कर लेते हैं पीछे के। जितना तुम इन कर्व को ठीक करोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारा क्लीन आएगा। पहले से बेसिक ही तुम्हारा क्लीन होना चाहिए। अगर तुम्हारा बेसिक ठीक नहीं है बाद में दिक्कत आएगी जब स्मूथ आउट करोगे। जैसे कि अब भी थोड़े बहुत डेंट हैं यहाँ पे तो मेरे को ठीक करने पड़ेंगे। एक बार ये ऑप्शन यूज करके देख लो, इससे ठीक हो जाता है तो टॉप में जाओ, अंदर के पकड़ लो, सिर्फ वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया अंदर अंदर के मैंने। ये वाले भी कर लो, प्रोस्पेक्टिव में जाके शिफ्ट राइट, एक शिफ्ट राइट क्लिक, एवरेज आ जाता है यहाँ पे, ये एवरेज वर्टेक्स, इस पे क्लिक करना। वो जितना ठीक कर सकता है उतना उतना कर में ले आएगा चीजों को। अभी हो गई, बस मेरे को अब सीधे करने हैं। ये देख रहे हो बीच के डेंट खत्म हो गए जो भी थे इसमें। वो ये आड़े टेढ़ी आ रही थी एजेस पहले मेरी, मैं जैसे एवरेज मारता हूँ थोड़ा सा स्क्यू कर देगा पर वो ठीक कर देगा अंदर के सारे वर्टेक्स। कर में आ गया मेरा, सेम इनके साथ कर देना है अभी। एवरेज एवरेज, उसके बाद स्केल कर देना, टॉप में जाना, एज पकड़ो यहां से यहां तक, पाइवट यहां पर रखो, स्केल सेम, डबल क्लिक, फिर डी एक्टिवेट पाइवट, वी से वर्टेक्स पे स्नैप, वापस डी दबाओ, एक्टिव पाइवट मोड ऑफ, स्केल। हर बार सेम कर देना। यहां से यहां तक हो गया क्लीन। थोड़ा पफी था वैसा भी हो गया है। पीछे के पकड़ के ये दो यहां तक के उठा दो, ये भी शिफ्ट के साथ क्लिक करना है जहां से जहां तक एज पकड़नी है। शिफ्ट सेलेक्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, थोड़े से ये भी ऊपर हो जाएंगे। अब कंट्रोल शिफ्ट एच से अनहाइड होता है, कंट्रोल एच से हाइड होता है, कंट्रोल शिफ्ट एच अनहाइड, ये अनहाइड हो जाएगा। उसके बाद रेफरेंस देख लेते हैं एक बार। पीछे का ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहता है।
उसके बाद यहाँ पे ये ऑफ कर दो, टू साइड लाइट, डबल क्लिक, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने से पहले एक बार पीछे की ओर देख लो सही हो। ऑलमोस्ट ठीक है, पकड़ो एक्सट्रूड, एक्सट्रूड नीचे को कर दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, तमन्ना को ऐड कर लूँ? हाँ कर दिया, एक्सट्रूड कर दो। उसके बाद डबल क्लिक, रिवर्स, रिवर्स नॉर्मल, क्योंकि फेस उल्टे आ रहे थे मेरे जब मैंने एक्सट्रूड करा, फेस उल्टे हो गए। डबल क्लिक करा, सारे फेस सेलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, फेस नॉर्मल, रिवर्स नॉर्मल। उसके बाद ये तुम्हारा यहाँ नहीं आएगा, ये और ये डिलीट कर दो, इसे पकड़ो आगे की तरफ मूव कर दो, यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो पीछे की तरफ, और यहाँ पे थोड़ा बहुत खुला हुआ है ये, तो ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया गैप, और ये पीछे की तरफ। उसके बाद एक यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट, ताकि ये बिल्कुल ऐसे पतला ना हो। अब थोड़ी सी डेप्थ आ रही है, देखो मैं अगर ये वाली एज हटा दूं तो और पतला हो जाएगा, ये फर्क देख रहे हो। सपोर्टिंग एज नहीं है, बस उसको डेप्थ देने के लिए बीच में एज लगाई है। अगर मैं पास लगाता तो ये सपोर्टिंग एज बन जाती, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लगाता तो ये हार्ड हो जाता यहाँ और यहाँ। ये फाइनल में करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा ना उसमें डेप्थ रहेगी, जैसे कि इसमें है पाउच में, यहाँ पे हार्ड है थोड़ा थोड़ा हर जगह पे। सपोर्टिंग एज बाद में लगेंगी सारी चीज़ों में, इन्हें अभी हटा दो, बीच बीच में बस एक डाल के छोड़ दो जब तक हमारा फाइनल नहीं होता। यहाँ पे जैसे लाइट इधर पास नहीं हो रही ना, यहाँ तक ही आ रही है, एकदम से कट रही है। इसे डबल क्लिक करो, शिफ्ट एज, एज पे जाके डबल क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक, सॉफ्ट ऑन एज। उसके बाद यहाँ पे जाओ, फेस पकड़ लो ये सारे टॉप से, फाइव दबाओ टॉप में जाके, ये सारे फेस पकड़ लिए जिन पे लाइट नहीं आ रही। प्रस्पेक्टिव में जाके राइट क्लिक, मटीरियल असाइन एक्सिस्टिंग मटेरियल में जाके पाउच वाला मटेरियल डाल दो इस पे और छोड़ दो, हो जाएगा ठीक। उस इतने पार्ट पे अलग मटेरियल था, इतने पे अलग था, इसलिए आ रहा था वो। उसके बाद यहां से यहां तक फेस, डिलीट, सेम यहां से यहां तक डिलीट, अंदर के फेस सारे, इसे कर लेते हैं हम डुप्लीकेट, डब्ल्यू पाइवट डीएक्टिवेट करके वी प्रेस करना है, यहाँ पे आ जाएगा, वापस डी दबाओ। उसके बाद इसे करो मिनिमाइज, कंट्रोल ए, कभी कभी ऐसे हो जाता तो कंट्रोल ए करना कीबोर्ड में, वापस प्रॉपर्टी आ जाएंगी। उसके बाद जेड में है ये माइनस वन, उसके बाद जैसे थोड़ा मोटा हो रहा है अभी, मेरे को और पतला चाहिए, इतना मोटा भी नहीं है वो एक्चुअल में। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, पहले तो एक्स्ट्रा एजेस हटा लेता हूँ, ये वाली हटेगी, ये वाली हटेगी, ये नहीं, इस एज को पकड़ के थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा ऊपर मूव, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फेस पकड़ना अंदर की तरफ। और एक ऑप्शन आता है यहाँ पे
शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ पे आता है ट्रांसफर कंपोनेंट, इस पे जाके राइट क्लिक छोड़ देना और फिर अंदर की तरफ करना है, वही जहाँ पे है वो उन्हीं, जैसे कि मेरे यहाँ पे नॉर्मल है ना, ये इधर की तरफ ही मूव होंगे सारे फेस अपनी साइड में। इसमें क्या फायदा होता है, अगर मैं वैसे पकड़ के करूंगा ना मूव, तो ये ऐसे होंगे मूव, जैसे कि मैं W दबाता हूँ पीछे करता हूँ, पर इसमें क्या सरफेस के अलाइन होके होते हैं, जैसे कि ये सीधा इधर जा रही है तो ये ऐसे मूव हो रहा है, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसे ना हो, एज पे जाए, पर ये तो एक एक करके एज पे काम कर रहा है, वो ऑप्शन पूरे फेस को पकड़ के एज पे ले जाता है, ये एक टाइम पे एक ही एज पे करता है ऑप्शन काम। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फेस पकड़ लिए सारे, शिफ्ट राइट क्लिक ट्रांसफर कंपोनेंट पीछे की तरफ, फिर ये वाला ट्रांसफर कंपोनेंट यहाँ पे कंपोनेंट पे कर देना, W दबा के रखना और लेफ्ट क्लिक करना, ये सारे ऑप्शन आते हैं, जब तक W और लेफ्ट क्लिक छोड़ना मत, जिस पे जाके छोड़ना है, जैसे अब मेरे को वर्ल्ड की जगह कंपोनेंट पे चाहिए तो कंपोनेंट पे जाके मैं लेफ्ट क्लिक छोड़ देता हूँ, और ये फिर पीछे थोड़ा सा पतला और ये थोड़ा सा नीचे, सेम यहाँ पे, और उसके बाद वर्ल्ड इन्हें थोड़ा सा पीछे कर देना, ऊपर आगे की तरफ, उसके बाद सारा पकड़ना और डी प्रेस करना एक्टिव पाइवट, उसके बाद वी वर्टेक्स स्नैप, वापस डी दबाना और स्केल कर देना थोड़ा सा नीचे की तरफ, वो इतना, बीच की एज पकड़ना सीधी कर लो इसे, बी प्रेस करना स्मूथ सिलेक्शन ऑन थोड़ा सा ऊपर, वापस भी प्रेस करके बंद कर देना स्मूथ सिलेक्शन। अब ये वाले पार्ट इससे कनेक्ट होंगे, तो लीड ये दोनों पकड़ो कंबाइन कर लो पहले, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक फेस डिलीट कर लो, ये डिलीट ये भी डिलीट, उसके बाद ये एज पकड़ो, इसमें एक रिंग एंड स्प्लिट मार दो ताकि यहाँ सामने ब्रिज हो जाए, और यहाँ से शिफ्ट यहाँ तक डिलीट, सेम ऊपर रिंग एंड स्प्लिट, अब दो एज यहाँ की पकड़ लो, दो एज यहाँ की ब्रिज, सेम यहाँ पे करना दो एज नीचे की, दो एज इसकी ब्रिज, रिपीट कमांड जी, लास्ट मैंने ब्रिज करा तो ब्रिज ही करेगा वो, फिर से रिपीट कमांड कीबोर्ड में जी दबाना, फिर से ब्रिज कर देगा वो, हम देख लेते हैं थोड़ा सा और पतला हो गया, सारे फेस पकड़ लो, यहाँ के छोड़ दो और यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक ट्रांसफर कंपोनेंट, थोड़ा सा और अंदर की तरफ, इन दोनों की विड्थ मैच कर जाए, छोड़ दो, अब ये वाली है जिस पकड़ो नीचे की तरफ, क्या आपकी सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अब आ रही है,
हेलो आ रही है सर। और एक मिनट में ना ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं फिर से क्रिएट करूंगा, तो फिर से ज्वाइन कर लेना। ओके सर। उसके बाद ये ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना, ये यहाँ से यहाँ तक की एज पकड़नी है सिर्फ तुम्हें, नीचे की स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक, यहाँ तक, ये ऊपर के भी नहीं पकड़ने। उसके बाद डी प्रेस करना। डी प्रेस करने के बाद ये एक्टिवेट होता है ना प्राइवेट, तो उसमें तुम्हें क्या करना है कि एज पे क्लिक करना है। जिस भी एज पे क्लिक करोगे उसके अलाइन हो जाएगा ये। जैसे इस पे क्लिक करा मैंने, इस एज पे, तो मेरा पाइवट यहाँ पे आ गया, और डी प्रेस करता हूँ बंद हो जाएगा। अब ये जो मूव करेगा ना आगे की तरफ, इस एज के अकॉर्डिंग करेगा, तो मेरे को थोड़ा सा ये मूव करना है आगे को, ताकि ये जो थोड़ा सा अंदर दब रहा है ना, ये पतला हो जा रहा है पार्ट, वो थोड़ा ठीक हो जाए। तो मैंने अलाइन करा उसके अकॉर्डिंग और आगे कर दिया, वो ठीक हो जाएगा पार्ट। एक बार ये डिलीट कर दो, बाद में डाल लेंगे इसे। उसके बाद यहाँ पे फिल होल कर लेना पहले, तो फिल होल ये ब्रिज कर लो पहले, ये ब्रिज, शिफ्ट राइट क्लिक, ब्रिज, सेम यहाँ पे,